मुझे किसी बंदे ने ये बात कही, मुझे कहने लगे कुरान पाक के अंदर आए थे यौम नदउ कुल्लु अनासिम बिइमामिहिम, कल क़यामत के दिन हर शख्स को उसके इमाम के साथ उठाया जाएगा। ये तो बतलाओ तुम्हारा इमाम, तुम तो किसी को इमाम मानते ही नहीं हो, ये बतलाओ तुम किसके साथ उठाए जाओगे। मैंने कहा इस बात की जरा तफसील तो बतला। कहने लगा तफसील ये है, इमाम अबू हनीफा उठेंगे, वो कहेंगे हनफी मेरे साथ आ जाएं, हनफी इमाम अबू हनीफा के साथ चले जाएंगे। इमाम शाफी उठेंगे कहेंगे मेरे मानने वाले मेरे साथ आ जाएं। इमाम मालिक उठेंगे कहेंगे मेरे मानने वाले मेरे साथ आ जाएं। इमाम अहमद बिन हम्बल उठेंगे कहेंगे मेरे मानने वाले मेरे साथ आ जाएं। ये सारे इमामों को मानने वाले अपने इमामों के साथ चले जाएंगे। अरे तुम किसी इमाम को नहीं मानते, तुम किसके साथ जाओगे। मैंने कहा बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, हम किसी इमाम को नहीं मानते, हम किसके साथ जाएंगे। मैंने कहा यह बतलाओ वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह भी मौजूद होंगे या नहीं होंगे। हां मौजूद होंगे। मैंने कहा फैसला तो तुमने खुद कर लिया है, शाफी इमाम शाफी के साथ चले गए, मालिकी इमाम मालिक के साथ चले गए, हम्बली इमाम अहमद बिन हम्बल के साथ चले गए, हनफी इमाम अबू हनीफा के साथ चले गए, रसूलुल्लाह भी खड़े होंगे, इधर से अहले हदीस खड़े होंगे, रसूलुल्लाह ये ऐलान करेंगे और अहले हदीस और दुनिया में तुमने मेरे अलावा किसी को इमाम नहीं माना है, आओ आज मेरे दामन रहमत से लिपट कर जन्नत में दाखिल हो जाओ।